नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में मंगलदेव का अलग अलग भावों में क्या फलादेश होगा। मंगलदेव जब मेष लग्न की कुंडली में अलग अलग भावों में विराजमान होंगे तो मेष लग्न के जातक को क्या अच्छी और बुरी चीज़ें देने वाले हैं, ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों लग्न राशि के आधार पर फलादेश शुरू करने से पहले आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अगर आपकी कुंडली के लग्न घर के फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा है तो आपका जो लग्न है वो मेष लग्न होता है। मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगलदेव। मेष लग्न की कुंडली में मंगलदेव जो है वो पहले घर यानी कि लग्न घर के स्वामी और अष्टम घर के स्वामी होते हैं। आयु भाव और लग्न का भाव इनके पास रहता है। मेष लग्न में मंगल जब अलग अलग भावों में विराजमान होते हैं तो अलग अलग प्रकार के योग भी बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से वह आपको अच्छे परिणाम भी देते हैं और बुरे परिणाम भी देते हैं। मंगल जो है मेष लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं। जहाँ बैठेंगे, जिस घर को देखेंगे, उससे संबंधित आपको अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ होती है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल दोष जो है वो वैवाहिक जीवन में सिर्फ दो भावों में ही परेशानी पैदा करता है। इसके अलावा मंगल दोष वैवाहिक जीवन में मेष लग्न की कुंडली में परेशानियां पैदा नहीं करता है। यहाँ पर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपकी कुंडली के लग्न के घर में ही अगर मंगल विराजमान है तो मंगल जो है वो वहाँ पर रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। कुंडली आपके सामने पूरी ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मेष लग्न में मंगल विराजमान है और यहाँ पर रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मंगल बना रहे हैं। मंगल की तीन दृष्टियाँ होती है, ये जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहाँ से तीन घरों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से चौथे, सातवें और आठवें घर को देखते हैं। मंगल मेष लग्न की कुंडली में यदि लग्न में ही विराजमान हो तो यहाँ पर रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। रुचक नाम के पंच महापुरुष योग के क्या बेनिफिट है? तो रुचक नाम का जो पंच महापुरुष योग होता है जीवन में भूमि मकान से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पास भूमि से संबंधित ज़्यादा बेनिफिट्स जीवन में रहते हैं। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो है वो अगर मंगल बलवान स्थिति में साथ साथ अगर नौकरी भाव का स्वामी जो शुक्र बुध होता है वो भी अगर इस अच्छी स्थिति में हो जाता है तो आर्मी में, डिफेंस एकेडमीज में ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं, क्योंकि मंगल धैर्य का कारक है। मंगल आपके शरीर में ताकत का कारक है। तो अगर अच्छी स्थिति हो गई तो आप डिफेंस, पुलिस, सिविल में आप हर चीज़ में अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि डालेंगे आपके फोर्थ हाउस पर, सप्तम दृष्टि सेवन्थ हाउस पर, अष्टम दृष्टि अष्टम घर पर। चौथे घर पर मंगल की जो दृष्टि है माता भूमि मकान वाहन के हर चीज़ के सुख में आपके वृद्धि करने वाली रहेगी। जीवन में सुख वृद्धि आपके हमेशा रहेगी। सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में आपको अच्छी चीज़ें प्रदान करेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट देने का काम मंगल यहाँ पर करने वाला है। अष्टम दृष्टि से दुर्घटनाओं को कम करेंगे, अध्यात्म में आपकी रुचि देंगे। अष्टम दृष्टि जो मंगल के एट्थ हाउस पर जा रही है, MCX सट्टेबाजी में भी आपको थोड़ा सा कुछ फायदा दिलवा सकती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल जो है मेष राशि में विराजमान है और लग्न के घर में, तो यहाँ पर मंगल दोष का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि लग्नेश को मंगल दोष का दोष नहीं लगता है। लग्नेश कभी भी खराब परिणाम आपको जीवन में सिर्फ 6, 8, 12 के घरों में या नीच अवस्था में देते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त होते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो मंगल दोष का एक परिहार होता है कि अगर मंगल योग कारक प्लेनेट हो या लग्नेश हो तो वहाँ पर मंगल दोष नहीं बनता है। तो इस कुंडली में अगर लग्न में मंगल है तो आपको मंगल दोष से परेशान होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जीवन में अच्छी चीज़ें ऑलरेडी मंगल आपको देते रहेंगे। मेष लग्न की कुंडली में मंगल जब लग्न में विराजमान होता है तो यहाँ पर इंसान का जो स्वभाव होता है वो रोबीला होता है, कामकाज में तेज तर्रार होता है ऐसा व्यक्ति।
जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ उसके अंदर रहती है, और चौथे सातवें आठवें घर में इनकी दृष्टियां होती, तो इन सभी चीज़ों से इनको सुख समृद्धि देने का काम यहाँ पर मंगल करने वाला होता है। और अष्टम भाव पर दृष्टि कभी कभी आपको भविष्यवक्ता इंट्यूशन की पावर भी देने का काम करती है। यहीं पर हम आगे चलते हैं। मंगल अगर सेकंड हाउस में विराजमान है तो आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीजें हैं। सेकंड हाउस से मंगल पंचम अष्टम और नवम घर पर दृष्टि डालेंगे। पंचम घर पर चौथी दृष्टि, अष्टम घर पर इनकी सातवीं और नवे घर पर इनकी आठवीं दृष्टि रहेगी। यहाँ पर मंगल आपको धनवान बनाने का योग बनाते हैं। कारण ये कि खुद का लग्नेश उठा और लग्नेश उठते ही धन के भाव में चला गया, तो व्यक्ति के पास खुद का पर्सनल धन बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसके जन्म के बाद धन जो है परिवार या परिवार की वृद्धि होना, धन की वृद्धि होना, परिवार में सुख समृद्धि होना, ये चीज़ें बढ़ने का कारण बनती है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद परिवार में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि होने लगती है। धन कुटुंब और परिवार में उस व्यक्ति का मान सम्मान भी अच्छा रहता है। अगर मंगल और अच्छी डिग्री में हो तो ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे परिवार में अपनी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति के कारण परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती जाती है। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की परिवार में कमी नहीं रहती। मंगल वैसे स्वभाव से क्रूर है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, एग्रेसिव वाणी देता है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का घर है। खान पान में मसाले जैसी चीज़ें खाने का काम भी हो सकता है या थोड़ा खान पान बिगाड़ भी सकता है, तेज तर्रार चीज़ें पसंद करता होगा, तो वाणी से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियाँ यहाँ पर मंगल देगा। यानी कि इंसान बोलेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव का, एग्रेसिव, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पंचम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है तो संतान संबंधी चीज़ें, पुत्र संतान का योग बनाता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्टडी से पैसा अच्छा कमा लेता है। लव अफेयर्स भी इसकी लाइफ में रहते ही हैं। पेट संबंधी कुछ एसिडिटीज़ की प्रॉब्लम उनको जीवन में परेशान करती है। इसके बाद देखा जाए तो अष्टम दृष्टि जो है, आठवें घर पर इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है, तो सप्तम दृष्टि जो है यहाँ पर एक अच्छा काम यह करेगी कि ऐसा व्यक्ति MCA, सट्टेबाजी, इन चीज़ों से अच्छा पैसा कमाने का काम करता है, या धार्मिक चीज़ें कुछ भी हो तो धर्म से भी पैसा अच्छा कमाने का काम ऐसे व्यक्ति कर लेते हैं। अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है तो जीवन में व्यक्ति जो है अपने भाग्य में धन बहुत ज़्यादा लेकर आता है, धन की स्थिति अच्छी होती है, पिता का साथ ऐसे व्यक्ति को पूरा मिलता है, और पिता के साथ की वजह से धार्मिक चीज़ों में उसका इन्वॉल्व होने की वजह से उसके भाग्य में धन की वृद्धि होती रहती है, परिवार का सुख उससे प्राप्त होता रहता है, भूमि का सुख उससे प्राप्त होता ही रहता है। ये एक अच्छा योग होता है, धनवान योग हम इसे कहते हैं। यानी कि बेटा पैदा हुआ है आपके जीवन में या बेटी आई है तो उसके आने के बाद आपके परिवार में तरक्की का योग होता है जब लग्नेश सेकंड हाउस में होते हैं। मंगल की ही बात नहीं है, लग्नेश सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल है इसलिए हम मंगल के भावों को प्रभावित करते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो मंगल जब थर्ड हाउस में विराजमान होता है तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं। तीसरे घर में मंगल जो है इंसान को मेहनती बनाते हैं, क्योंकि लग्नेश मेहनत के घर में चले गए तो इंसान वैसे ही मेहनती होगा। कारक भाव होता है मंगल का, तो यहाँ स्थित मंगल जातक के पराक्रम में वृद्धि करता है, और ऐसा जातक छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने वाला होता है। छोटे भाई बहन होते हैं उनसे बेनिफिट भी लेता है, जीवन में छोटी मोटी यात्राएं उसके जीवन में बनी हुई रहती है, मेहनती बहुत होता है, और अपनी मेहनत के बलबूते पर जब मंगल सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं तो अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसा व्यक्ति जो है भाग्य का निर्माण करता है। जीवन में जो भी परिस्थितियां निर्माण होती है उनका डटकर मुकाबला करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों का उसको बहुत ज़बरदस्त सुख मिलता है, और यहाँ पर एक बेनिफिट ये रहता है कि उससे छोटे लोग अगर कारोबार में हो या उसके नौकरी में, उनसे भी उसको बेनिफिट होता ही रहता है। यहाँ से मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि छठे घर पर, सातवीं दृष्टि डालेंगे नवे घर पर, और अष्टम दृष्टि डालेंगे इनके दसवें घर पर। तो यहाँ पर छठे घर पर जो मंगल की दृष्टि जा रही है, मेहनत से व्यक्ति नौकरी की प्राप्ति भी करता है, अपने मेहनत से ऐसा व्यक्ति जो होता है कर्जे की अगर बढ़ोतरी होती है उसके तो कर्ज भी चुकाता है जीवन में। यानी कि ऐसा व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से अपनी मेहनत के बलबूते पर लड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लग्न का स्वामी मेहनत में है मंगल, तो ये जो चीज़ें हैं रोग हो गया, ऋण हो गया, शत्रु हो गया, ये उसके पीछे लगे हुए रहते हैं। जीवन भर व्यक्ति इन चीज़ों से लड़ाई लड़ता रहता है, कभी कम नहीं होती है ये चीज़ें, ये उसके साथ ही रहती है, क्योंकि लग्नेश जिस घर में बैठा है उस चीज़ की वृद्धि करने का काम करता है। तो यहाँ पर लग्नेश जो है उसके रोग, ऋण, शत्रु की वृद्धि करने का काम करा है, मेहनत की वृद्धि करने का काम करा है, छोटी मोटी यात्राएं जीवन में ऐसे व्यक्ति के लगी हुई रहती है।
मंगल जो है थर्ड हाउस से सप्तम दृष्टि डालेंगे भाग्य के घर पर, तो मेहनत करेगा व्यक्ति, मेहनत में भाग्य वृद्धि भी होगी। ऐसे व्यक्ति ऋण भी लेते हैं तो ऋण से भी भाग्य वृद्धि होती है। इनके पिता का साथ मिलता है और धर्म में रुचि रहती है, उसकी धार्मिक यात्राएं वगैरह अच्छी करता है, तीर्थ यात्रा उसकी अच्छी होती है, विदेश यात्रा भी व्यक्ति करता है। और कर्म क्षेत्र जो है ऐसा व्यक्ति मेहनती वाला चुनता है, जिसमें उसको ज़्यादा खुद को खपाना पड़े, खुद की मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, ऐसा कर्म क्षेत्र ऐसा व्यक्ति चॉइस करता है। यहीं पर अगर बात करें चौथे घर में जब मंगल विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीज़ होगी। चौथे घर में मंगल हो जाते हैं नीच के, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है, जलीय तत्व की राशि होती है ये, तो यहाँ पर अग्नि तत्व वाले मंगल जलीय तत्व में आकर नीच के हो जाते हैं। नीच का मंगल जीवन में परेशानियां ज्यादा देती है। एक परिहार यहाँ पर मैं देना चाहूंगा आपको, जब मंगल के साथ अगर चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं तो ये नीच बंग राजयोग होता है, या फिर मंगल के जस्ट सामने टेंथ हाउस में चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं, दृष्टिगत निजभंग राजयोग भी होता है। तो अगर दो स्थितियां बनती है, या तो चंद्रमा मंगल के जस्ट सामने यानी कि मंगल के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, या चंद्र मंगल का अगर आपके योग है, तो यहाँ पर नीचता भंग हो जाएगी, आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति जिसके चौथे घर में मंगल विराजमान हो और चंद्रमा कहीं से भी नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा खपता है अपने परिवार वालों के लिए। ऐसा व्यक्ति परिवार वालों की मन्नतें करते करते, उनकी मांगे पूरी पूरी करते हुए भी थक जाता है, लेकिन उनकी मांगे कभी कम नहीं होती है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति रोगी भी होता है, रोग उसके साथ लगा हुआ रहता है। कुछ कारण हो सकते हैं हेल्थ इश्यू में मंगल जो है उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या सीने से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी परेशानियों से उन्हें परेशान करता रहता है, और इस वजह से व्यक्ति जीवन में कोई भी काम सही तरीके से कर नहीं सकता। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से डायरेक्ट देखेंगे सप्तम घर को, जो होता है दाम्पत्य जीवन का, जो दाम्पत्य जीवन भी अनस्टेबल ऐसे व्यक्ति का रहता है, यहाँ पर मंगल दोष बनता है। तो इस घर में आपका मंगल दोष जो बनता है वो आपके दाम्पत्य जीवन को स्टेबल नहीं होने देता है, जीवन में अनस्टेबिलिटी आपको दाम्पत्य जीवन से देता है। यहीं से मंगल जो है व्यापार को भी परेशान करता है, आपके व्यापार में अनस्टेबिलिटी देता है। और दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, आपकी डेली इनकम को भी बहुत ज़्यादा मंगल यहाँ पर अपनी दशा अंतर दशा में प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से टेंथ हाउस को देखेंगे कर्म का क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र चॉइस करने में भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। कार्य क्षेत्र कौन सा चॉइस करूँ, किस फील्ड में जाऊँ, कौन सा मैं काम करूँ जिससे मुझे बेनिफिट होगा, ऐसी बातें सोच सोच कर व्यक्ति जीवन में परेशान रहता है और कोई भी एक डिसीजन नहीं ले पाता है। यहीं से अगर देखा जाए तो मंगल चौथे घर से अपनी अष्टम दृष्टि इलेवंथ हाउस आय के घर पर डालेंगे, तो इनकम सोर्स को अनस्टेबिलिटी, इच्छा पूर्ति नहीं होना, बनते काम बिगड़ जाना। कोई भी व्यक्ति अगर मतलब कि जिसके चौथे घर में मंगल और नीच हो चुके हैं, निजभंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर यह होगा कि ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को हाथ लगाएगा, उसके जीवन में वो काम बनता हुआ भी बिगड़ जाएगा, ऐसी स्थितियाँ निर्माण होती है। तो यहाँ पर मंगल के उपाय आपको करने चाहिए। और चौथे घर के मंगल की एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो मंगल है आपके जीवन में माता से भी प्रॉब्लम आपको देने वाला होता है। माता, भूमि, मकान, वाहन के हर चीज़ के सुख में परेशानियाँ आती है, माता के कारण आपके जीवन में परेशानियाँ बढ़ती है, माता से मनमुटाव की स्थितियाँ होती है, पत्नी से परेशानियाँ देने का काम भी ये करता है, झगड़ा होता रहता है और कामकाज में भी अनस्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त देने का काम करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी के लेन देन में भी परेशान रहता है, प्रॉपर्टी क्या खरीदनी चाहिए, प्रॉपर्टी का कैसे उसे उपयोग करना चाहिए वो उसे नहीं पता होता है, और मतलब कि जब उसे बेचना है तो बिकेगी नहीं, जब नहीं बेचना है तो बिक जाती है, इस तरीके की परेशानी आती है। और जब अपनी अष्टम दृष्टि से इलेवंथ हाउस को मंगल देखते हैं तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों का साथ भी उसे सही तरीके से नहीं मिलता है, उनसे भी जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनका जो साथ उसे मिलना चाहिए वो भी वो जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ का मंगल अगर निजभंग नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देगा, लेकिन डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देख लीजिएगा, अगर डिग्री में ज़्यादा है तो आपको और ज़बरदस्त परेशानी आएगी, अगर डिग्री में कम है तो आपको मैंने जो फल बताया उसमें कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम बात करेंगे मंगल जब पंचम घर में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीज़ें होने वाली है। पंचम घर में मंगल जो है एक राजयोग बना देते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग, जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग ये बनता है। यहाँ पर मंगल पंचम घर में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम घर को, अपनी सप्तम दृष्टि से इलेवंथ हाउस को और अपनी अष्टम दृष्टि से ट्वेल्थ हाउस को देखने वाले। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है और मंगल अग्नि तत्व की राशि में ही विराजमान है, सिंह राशि यहाँ पर आती है, और यहाँ पर मंगल जो उत्तम संतान की प्राप्ति का योग बनाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान प्राप्ति के बाद जीवन में तरक्की अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की आय जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसा व्यक्ति
हर काम को सही तरीके से करने वाला होता है। विद्या का सुख भी ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा आता है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज से बहुत ज़्यादा जीवन में धन अर्जित करता है। आकस्मिक धन लाभ भी ऐसे व्यक्ति को होता है। लव लाइफ भी स्टेबल रहती है। ऐसा व्यक्ति लव अफेयर्स वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जब तक पंचमेश सप्तमेश और लग्नेश का संबंध न हो तब तक आपको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। ससुराल और विदेश से भी उसे धन लाभ होने के योग इस टाइम पर बनते हैं। इच्छा पूर्ति हर तरीके से होती रहती है। विदेश यात्राएं करता है, कुछ खर्चे लगे हुए रहते हैं लेकिन उनको मेंटेन वो करता रहता है और हर चीज़ से खुरापाती दिमाग वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यहीं पर अगर बात की जाए छठे घर में जब मंगल विराजमान होंगे तो क्या अच्छी बुरी चीज़ होगी, पर यह है कि छठे घर में मंगल विराजमान है आपके और छठे घर में मंगल जो है यहाँ से चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर और अपनी सप्तम दृष्टि ट्वेल्थ हाउस और अष्टम दृष्टि आपके लग्न के घर पर देने वाले हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंगल जो है आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वृद्धि करने का काम करेंगे। लग्नेश है, लग्नेश होकर छठे घर में आए हुए हैं तो ये रोग ऋण शत्रु की वृद्धि करने का काम करेंगे। कुछ हद तक आपको जॉब भी यहाँ पर ऑफर हो सकती है क्योंकि सर्विस सेक्टर का भाव भी है तो यहाँ पर आपकी जॉब जो है सर्विस जो है यहाँ पर मंगल लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ऋण संबंधी आपकी चीज़ें बनी हुई रहेंगी, कर्जा आपके कभी कम होने का नाम नहीं लेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े आपके जीवन में लगे हुए रहेंगे, शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर हर लड़ाई झगड़ा आपको परेशान करता रहेगा, कोर्ट केस भी आपके जीवन में चलते हुए रहेंगे। चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे तो पिता से मनमुटाव की स्थिति बना देता है। पिता के साथ आपको कुछ न कुछ परेशानियाँ होती है जिस वजह से पिता का साथ आपको पूरी तरीके से मिल नहीं सकता है और धार्मिक चीज़ों में व्यक्ति जितना इन्वॉल्व रहता है उतना उसको थोड़ी थोड़ी परेशानियां जीवन में बढ़ती हुई नजर आती है। धर्म कर्म की चीजों में वैसे धीरे धीरे व्यक्ति जो है अपना मन जो है कम लगाना शुरू कर देता है। सप्तम दृष्टि से मंगल जो है आपके ट्वेल्थ हाउस को देख रहे थे, व्यय बड़े हुए रहते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे व्यक्ति के जीवन में ज्यादा होता है, अनसक्सेसफुल विदेश यात्राएं रहती है और यहां पर मंगल जो है अगर साथ में एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर बुध की स्थिति अच्छी हो जाती है तो विदेश यात्रा सक्सेसफुल हो सकती है लेकिन बुध की स्थिति देखनी आवश्यक है। यहीं से मंगल अष्टम दृष्टि डालेंगे लग्न के घर पर तो व्यक्ति की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि गंदी होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला होगा, गुस्सेल प्रवृत्ति का होगा, रोबिला ऐसा प्रभाव होगा और ऐसे व्यक्ति से हर कोई डरता होगा, उसके आवाज़ से बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे और ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा करने की प्रक्रिया भी रखता है। कुछ ऐसा काम वो करता है खान पान की वजह से या कुछ ऐसे उसकी आदतें हो जाती हैं जिस वजह से व्यक्ति जो है जीवन में परेशान ज़्यादा रहता है। यहीं से हम बात करेंगे मंगल जब सप्तम घर में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीज़ें रहेगी। सप्तम घर में मंगल जो है यहाँ पर आपके लिए अच्छे योग बनाता है क्योंकि लग्नेश केंद्र के भाव में ही विराजमान है तो यहाँ पर मंगल सप्तम घर में चौथी दृष्टि से दसवें घर को, सप्तम दृष्टि से फर्स्ट हाउस को और अष्टम दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेंगे। पत्नी के जीवन में आने के बाद व्यापार की वृद्धि हो जाती है। ऐसी व्यक्ति की पत्नी जो है जीवन में उसकी तरक्की लेकर आने वाली होती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो उसका अच्छा फल उसको प्रदान होता है। मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति और अपने कुटुंब के लिए सभी सुख सुविधाओं की पूर्ति करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। पत्नी परिवार से उसे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और ऐसा व्यक्ति जो है हर इंसान का, हर परिवार के सदस्य का ख्याल रखने वाला होता है। वाणी थोड़ी सी रोबिली हो सकती है क्योंकि सेकंड हाउस पर दृष्टि है मंगल की, लेकिन वो जो वाणी जो है वो दूसरों की अच्छाई करने के लिए होती है, दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं होती है। ये एक चीज़ अच्छा मंगल यहाँ पर देता है। यहीं पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ का जो मंगल दोष है आपके जीवन में, मंगल दोष वैवाहिक जीवन को परेशान करने वाला नहीं है। यहाँ पर आप मंगल का मुंगा पहन ले तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन से रिलेटेड भी आपकी परेशानियाँ दूर होने का कारण बन सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मंगल यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। योग कारक है, जहाँ बैठेंगे जिस घर में बैठेंगे उसकी वृद्धि करने का काम करते तो बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, तरक्की आप प्राप्त करेंगे। यहीं पर बात करें मंगल जब अष्टम घर में विराजमान होंगे तो क्या अच्छी बुरी चीज़ होगी। मंगल जब अष्टम घर में विराजमान है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके लिए या आपके परिवार के लिए किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं है। जीवन में तरक्की आपकी रोक के रखेंगे, रोड़े आपके जीवन में अटकते रहेंगे। हर काम को आपको बहुत बार सोच समझ कर करने की कोशिश आप करेंगे लेकिन उसमें भी कोई ना कोई परेशानियाँ होने का काम हो जाएगा। ओवरऑल सार यह है कि परेशानियाँ जीवन भर लगी हुई रहेगी,
जो परिश्रम का आपको उचित परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आपके इनकम सोर्स में आपसे जो बड़े लोग हैं उनसे आपको जो प्रॉफिट गेंस करने हैं उनसे आपको परेशानियां होती ही रहेगी। परिवार में आपकी हर किसी से बनेगी नहीं, जिससे बनेगी उससे भी कहीं ना कहीं लड़े झगड़े होते हुए रहेंगे। और ऐसा जातक जो है जितना परिश्रम करता है उसके इक्वली जो उसको उसका मेहनताना मिलना चाहिए वो उसे प्राप्त नहीं होता है। यहीं पर अगर देखा जाए तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे, जो इच्छा पूर्ति का घर है, जो आय का घर है, जो आपके लाभ प्राप्ति का घर है, जो आपके बड़े भाई बहनों का घर है, जो आपके मतलब कि कम्युनिटी का घर है, उससे भी आपको प्रॉब्लम देगा, उससे भी आपको अच्छी चीजें जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगी। यहीं पर अगर देखा जाए तो मंगल जो है अपने सेकंड हाउस पर सप्तम दृष्टि दे रहा है, तो सेकंड हाउस धन से रिलेटेड परेशानी आएगी। आपके कुटुंब, आपकी वाणी की वजह से आपके परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, इस वजह से आप धन की हानि भी करेंगे। MCX सट्टेबाजी में व्यक्ति पैसा बर्बाद करेगा, तंत्र मंत्र की विद्याओं में पैसा बर्बाद करेगा। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में बहुत ज्यादा इस प्रकार से जुड़ेगा कि उसका सारा पैसा वो उसमें खत्म कर देगा। और ज्योतिष शास्त्र हो गया, हस्तरेखा हो गया, इन ऐसे चीजों की वजह से भी उसे बहुत ज्यादा परेशानियां होगी, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर धन भाव पर भी गलत दृष्टियां दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर मंगल अपनी अष्टम दृष्टि थर्ड हाउस पर दे रहा है, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जब बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तब विपरीत स्थितियां पैदा होती है। यानी कि जब अष्टम दृष्टि जो है थर्ड हाउस पर जाएगी तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदलने का कारण बनेगा और जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा। यहीं से एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए तो आप मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दे, हनुमान जी की आराधना करें, आपके जीवन में अच्छा रहेगा। मंगल के बीज मंत्र का आप जप करें, मंगल के यंत्र को धारण कर ले, अच्छा रहेगा। और भूल कर भी मूंगा का भी धारण न करें, नहीं तो जीवन में आपको जो चीजें चल रही है उसमें हजार गुना इंटू कर दीजिएगा, वो चीज़ आपको और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देगी। यहीं पर अगर देखा जाए तो मंगल जो है भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीज़ें होगी, तो भाग्य भाव में भी मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है। और यहां से मंगल अपनी चौथी दृष्टि 12वें घर पर, अपनी सातवीं दृष्टि तीसरे घर पर और आठवीं दृष्टि चौथे घर पर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति के लिए पिता का साथ जीवन में होता है, पिता का साथ उसे मिलता रहता है, पिता का आदर करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, धर्म में उसकी रुचि होती है, धर्म कर्म की चीज़ों में उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, धार्मिक होता है, धार्मिक यात्राएँ बहुत ज़्यादा करता है, तीर्थ यात्राएँ बहुत ज़्यादा करता है, विदेशों से भी धन लाभ ऐसा व्यक्ति करने वाला होता है, छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा जीवन में उसे सपोर्ट मिलता है, उनसे बहुत ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। दूसरा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो है परिश्रम से अपने भाग्य को बदलने वाले होते हैं, जितना परिश्रम वो करते हैं उससे उसका जीवन जो है वो तरक्कीपूर्ण रहता है और भाग्य को बलवान बनाते हैं। परिश्रम न करना तो इनके भाग्य में होता ही नहीं, जितना परिश्रम करेंगे उतना जीवन को आगे बढ़ाने का काम इनका रहता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मातृभक्त भी होते हैं, क्योंकि अष्टम दृष्टि से मंगल चौथे घर को देख रहे हैं और अपने परिश्रम से ऐसा व्यक्ति भाग्य का निर्माण करता है। दूसरा, भाग्य से उसे माता, भूमि, मकान, वाहन, हर चीज का सुख उसे प्राप्त होता है। भूमि का सुख भी बहुत अच्छा ऐसे व्यक्तियों के पास होता है। कुछ खर्चे ऐसे व्यक्ति के लगे हुए रह सकते हैं, परंतु वो खर्चे जो होते हैं लीगली खर्चे होते हैं, इनलीगली खर्चे हम इस पर नहीं कह सकते। यहीं पर देखा जाए जब मंगल जो है 10वें घर में विराजमान होंगे तो क्या अच्छी बुरी चीजें होती है, तो 10वें घर में मंगल रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग बनाते हैं। यहां पर मंगल हो जाते हैं दिशा बली यहाँ पर मंगल होते हैं और रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग बनाते हैं। यहाँ पर मंगल मकर राशि में होते हैं। मंगल यहाँ से तीन घरों को, यानी कि आपके चौथी दृष्टि से लग्न के घर को, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चौथे घर को और अपनी आठवीं दृष्टि से आपके पंचम घर को देखेंगे। मंगल की एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर मंगल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उच्च के होने के कारण आपका स्वभाव जो है रोबीला बना देंगे, आपके काम में हमेशा ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का आपके प्रवाह रहेगा। आप अपने जीवन में हर काम को एक ताकत के साथ, एक समझ लीजिए कि पावरफुल जो नेस होती है ना हर इंसान के अंदर, एक काम करने का जज्बा जो होता है वो आपके अंदर पूरी तरीके से बना रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। कभी न थकने वाले काम भी आप करने के लिए आतुर रहते हैं। जातक हमेशा परिश्रम ही होता है और अपने परिश्रम से अपनी सुख सुविधाएं पूरी तरीके से बनाने वाला होता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से मंगल जो है आपके चौथे घर को देख रहे हैं, तो माता, भूमि, मकान, वाहन, हर चीज के सुख की प्राप्ति होती है इस व्यक्ति के पास। कुछ हार्ट संबंधी परेशानियां मंगल यहाँ पर देने का काम कर सकता है, बट वो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आप जो है जीवन में योगासन करना, जिम ज्वाइन करना वगैरह सारी चीजें आप करते रहते हैं इस वजह से।
चौथी दृष्टि मंगल लग्न पर डाल रहे हैं तो आपके अंदर मंगल की कुछ खूबियां भी होगी। हो सकता है एग्रेसिवनेस हो, आपके अंदर गुस्सा अचानक से ज़्यादा आ जाता हो, आपकी आवाज़ इतनी भारी हो कि लोग आपकी आवाज़ सुनकर ही डर जाए, तो इस तरीके की चीज़ें मंगल यहाँ पर दे देता है। और यहाँ पर मंगल, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मंगल जो है यहाँ पर अष्टम दृष्टि से पंचम घर को देख रहे हैं, तो आपके नॉलेज के अंदर भी आप जो है सिविल लाइन्स या डिफेंस अकेडमीज, पुलिस वगैरह, इनमें आपका काम ज़्यादा रहेगा। आप ऐसे काम को ज़्यादा चॉइस करेंगे जिसमें आपको अपने हाथ पगों को हिलाना पड़े, आपके हाथ पाव से आप काम लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, और जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े वो काम आपको ज़्यादा पसंद रहेंगे, और उसी काम को आप चॉइस भी ज़्यादा करेंगे। अब ये वैसे बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें आपकी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा होता है, रुचक नाम का पंचमा पुरुष योग आपके लिए बनाता है और जीवन में तरक्कियाँ लेने वाला होता है। यहीं पर हम बात करते हैं मंगल जब इलेवंथ हाउस में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीज़ होगी। तो इलेवंथ हाउस में मंगल के लिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ मंगल देवता के आने के बाद आपके लाभ की संभावनाएं लगातार बनती रहती है। आप प्रॉफिट जीवन में बहुत ज्यादा गेन करते हैं, इनकम सोर्स आपका अच्छा होता है, आय प्राप्ति आप जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं, बड़े लोगों से अच्छे बेनिफिट जीवन में प्राप्त करते हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको होती होगी तो उनसे भी निजात यहां पर मंगल की दशा अंतरदशा में हो जाती है। छोटी मोटी बीमारी भी अगर आपको कोई परेशान करे तो कुछ समय के लिए होगी, लेकिन वो भी ठीक हो जाती है। धन की आवागमन आपके लगातार बने रहता है, परिवार का पूरा साथ आपको मिलता है, बड़े लोगों से आप बेनिफिट जीवन में लेते हो, और वाणी से आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे। अपनी वाणी कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से लोग आपका, जो भी आप चीज़ बेचते हैं या नौकरी वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपके लोग आकर्षित हो जाएंगे और उससे आप अपना जीवन में प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। नॉलेज आपके पास हर चीज़ का होगा, और जीवन में आप जो है कुछ न कुछ समझ लीजिए कि कर्ज वगैरह जितना आप लेंगे, कर्ज जितना आप खुद के लिए सेंशन करवाएंगे, उतना आपके जीवन में आपको प्रॉफिट बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर किसी को आपने कर्ज दे दिया तो आपके जीवन में वो पैसा जो है वापस रिटर्न नहीं आएगा, ये चीज़ भी आप नोट करके रख लीजिएगा। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बना देते हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स में आपकी जीत होगी। आप कंपटीशन एग्जाम्स अगर देते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी चीज़ें देने का काम मंगल यहाँ पर करते हैं। ओवरऑल मंगल इलेवंथ हाउस में भी आपको अच्छे बेनिफिट देने का काम करता है। यहीं पर बात करते हैं ट्वेल्थ हाउस में मंगल आपको क्या अच्छी बुरी चीज़ें देगा। यहाँ से मंगल तीसरे, छठे और सातवें घर को प्रभावित करते हैं। तीसरा घर मेहनत का होता है, छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, सातवां घर दाम्पत्य जीवन का होता है। यहाँ का मंगल दोष भी आपको जीवन में दाम्पत्य जीवन की परेशानियां देने का काम करेगा। पत्नी से आपकी बहुत ज्यादा परेशानियां रहती है। मेहनत इंसान जीवन में बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। जीवन में छोटे भाई बहनों से उसके लड़े झगड़े होते रहते हैं, रोग ऋण उसे परेशान करते हुए रहते हैं, और शत्रु भी बहुत ज्यादा होते हैं, झगड़े हमेशा उसके जीवन में बने ही रहते हैं। पत्नी पार्टनर से समस्याएं हमेशा रहती है, पत्नी से उसके रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं। पार्टनर के साथ जब भी वो बिजनेस पार्टनर बनाता है, ऐसा कुछ करता है, तो बिजनेस ही ठप हो जाता है और जीवन में आगे उसे परेशानियां प्राप्त होती है। व्यापार में भी कुछ परेशानियां ऐसी होती है जिसकी वजह से उसका स्टेबिलिटी व्यापार में भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिनके भी ट्वेल्थ हाउस में मंगल है उनके लिए, कि ये मंगल दोष का निर्माण होता है। यहाँ पर मंगल का आप जो है मुंगा न पहन के आप यहाँ पर ओनली ऑल मंगलवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल के बीज मंत्र का जप करें, मंगल के यंत्र का जप करें, ये चीज़ें आप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे मंगल आपको अच्छे बेनिफिट देना शुरू करेगा। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो की, मंगल देव जो है मेष लग्न की कुंडली में जब अलग अलग भावों में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीज़ें होने वाली है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल 12 भावों में क्या फल देते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह अच्छा फल दे रहा है, कौन सा बुरा दे रहा है, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जान सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको मेष लग्न की कुंडली में मूंगा पहनना चाहिए या नहीं चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने वीडियो बना रखी है कि मेष लग्न वाले मूंगा कब धारण करें, उस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, आप कंपेयर कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। या आप अगर कुंडली एनालिसिस कराना चाहते, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कीजिए, आपके लिए जो भी सूटेबल स्टोन होगा हम आपको बता देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।